अपने पास आई हुई है अप्रैलिया 4, 5, 7 और इसके अंदर जो अभी है लैम्पशन का वर्क स्टार्ट कर चुके हैं इसके, जो कि आपको पता है प्रॉपर फिटिंग वाला होता है। और उसके बाद साथ में इसमें लगेंगे फ्रेम स्लाइडर, शॉक प्रोडक्शन, फॉक्स स्लाइडर, जो बेसिक वर्क है वो सारा इसके अंदर होने वाला है। और ये भाई साहब आए कहाँ से, कहाँ से भाई साहब? लक्ष्मी नगर मेरे घर के पास से, बिल्कुल एकदम पड़ोसी है हम तो। पड़ोसी है लेकिन लोकेशन यहाँ पर आके मांगी इन्होंने, वैसे पड़ोसी है हमारे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी तक का? नहीं, अभी तक तो बहुत अच्छा है, बाकी अभी काम देखते हैं फिर बताएंगे अपना फाइनल रिव्यू। काम देखने के बाद वो सबसे जरूरी है, काम अच्छा। इनको लग रहा है अभी शक है, पता ना सबका शक मैं खत्म कर देता हूँ कब, काम करने के बाद से पहले मैं भी खत्म नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारे पास आई थी नई नेवीली अप्रैलिया 4, 5, 7 और इसके अंदर मॉडिफिकेशन थी। वैसे तो इसमें एग्जॉस्ट का काम करना था बट समय के कारण भैया ने अभी नहीं लगवाया एग्जॉस्ट, बाकी इसमें सारा काम हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं लैमिनेशन कर दी गई जो कि जज नहीं हो रही है, की गई है नहीं की गई है, जैसे कि आपको पता है अपने पास जो काम होता है प्रोफेशनल तरीके से होता है, चालू जुगाड़ वाला काम नहीं करते हैं इसके अंदर। साथ में आपको देखने लगे शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स स्लाइडर, जिसे लगाने के बाद आपका शॉकर सेफ हो गया, आपका हो गया मडगार्ड पूरी तरीके से, साथ में लुक भी काफ़ी एनहेंस हो गई शॉक प्रोटेक्शन और फॉक्स स्लाइडर से दोनों से। और फॉक प्रोटेक्शन आपके एबीएस प्लेट और डिस्क प्लेट, ये भी होती है आपकी शेप, क्योंकि अगर कोई साइड से टक्कर मारता है तो पूरे के पूरे होता है सेफ आपका। सेम इस तरफ सेम लुक मिलेगी, देख लो इस तरफ चेकआउट कर लो किस तरीके की है। और साथ में इसमें लगा देंगे, देख सकते हैं सुपर बाइक पहले इसके अंदर लगा देंगे लीवर गार्ड जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के, ब्लैक कलर के लिया गया गाड़ी के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लैक है नहीं बाइक, बट इसका कंट्रास्ट ब्लैक से ज़्यादा मैच हो रहा है, तो इसमें ब्लैक ही लगा दें। इधर भी सेम मिलेगा इस तरफ, जिससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। और भी बहुत सारी प्रजाति की लीवर गार्ड आते हैं जैसे आपको पता है, किसी में कुछ किसी में कुछ। और लैमिनेशन जैसे कि मैंने उधर दिखाया, इधर भी चेकआउट कर लो किस तरीके से की गई है आपकी लैमिनेशन, ये देखिए। साथ में टैंक पैड भी लगा दिया, टैंक पैड लगाने से क्या होता है ये नीचे की तरफ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम बैठते हैं ना, बैठने के बाद क्या होता है हमारी बेल्ट का जो बक्कल होता है ना, बक्कल यू नो बक्कल, वो इस पर टच होता है। टच होने से होता है चाहे बेशक हमने लैमिनेशन करा ली है बट क्या होता है वो टैंक पे निशान मार देता है, तो उस केस में से बचाने के लिए टैंक पैड लगा देगा जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और गाड़ी के कलर से मैचिंग के अकॉर्डिंगली लगाया गया है इसके अंदर। थाई पैड इसमें कुछ लेटेस्ट लगा रहे थे इसलिए हमने अभी लगाया नहीं है, नेक्स्ट राउंड में पार्ट टू उसको देखने को मिलेगा आपको। और साथ में आपको हमने यूवे टेक के इसके अंदर देख सकते हो, ईवो टेक के लगा देंगे इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर जो कि मिलते हैं कुछ इस तरीके से। फ्रंट से चेकआउट करो इधर से भी साइड से, ईवो टेक की ब्रांडिंग दिखा दो उनके, ईवो टेक की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर। इसे लगाने के बाद ना जब भी आप बाइक राइड करते हो इन केस आपकी गाड़ी स्किट होती है गिरती है तो क्या होता है सेफ हो जाती है आपकी पूरी बाइक। सेम इधर सेम मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो लगने के बाद। और भी इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं चाहे कोई भी लेना चाहो तो। और साथ में ना इसमें देखने मिलेगा आपको स्टैंड जैकेट, साइड स्टैंड जैकेट ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई। इसे लगाने से क्या होता है आपका स्टैंड जो है ना वो स्टेबल खड़ी करता है आपकी बाइक को, और स्टैंड ना काफ़ी स्लिम टर्म दे रखा है तो वो भी आपको आया था पूरी तरीके से सेफ इसे लगाने के बाद। और साथ में इसमें एक छोटी सी चीज़ और लगाई गई है जो कि मिलेगी आपको, देख सकते हो गियर शॉक्स ये भी इसके अंदर लगा देंगे। गियर शॉक लगाने के बाद क्या होता है आपके जो शूज़ होते हैं ना वो ख़राब होने का खतरा हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म। छोटी छोटी एक्सेसरी होती है बट क्या होता है नीडफुल होती है जो कि ज़रूरत होती है इस बाइक के अंदर लगाने के लिए, बाकी आप चाहो तो और भी बहुत कुछ लगा सकते हो। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा रही है, इसमें ना स्क्रीन गार्ड भी लगाया गया, सच बताऊँ तो मेरे को पता लग नहीं रहा, लगा तो दिया मैंने बट पता नहीं स्क्रीन गार्ड भी इसके अंदर लगा दिया गया। जैसे कि आपको पता है कि इसका स्क्रीन गार्ड मेरे पास अवेलेबल है अप्रैलिया 4, 5, 7 का, बाकी का पता नहीं बट मेरे पास अवेलेबल है इसके अंदर। और आप चाहो तो और भी कोई सुपर बाइक हो नॉर्मल बाइक हो उसका भी अपने पास अवेलेबल है। और इसकी बाइक की मॉडिफिकेशन होगी कंप्लीट। अब मैं मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है कहाँ से आए, वैसे मैंने मिलवाया था स्टार्टिंग में कहाँ से आए थे लेकिन फिर भी भैया से मिलवाते हैं और पूछते हैं और एक्सपीरियंस, जैसे भैया कह रहे थे ना कि काम करने के बाद पता लगेगा तो पूछते हैं कि पता लगा या नहीं लगा उनको। आइए सर। हेलो सर, कैसे मिस्टर एडवोकेट जी? नहीं एडवोकेट तो हुआ है मेरा, दिखाओ ना दिखाओ एडवोकेट जी वो जो शूट कर रहे हैं ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी ठीक है। तो सर आप ये बताओ कैसा लगा आपको, बताइए। नहीं काम जो है बहुत अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का काम है, बाकी टैंक पैड वगैरह की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, इवन स्क्रीन गार्ड भी जो है जो मीटर पर गार्ड लगाया हुआ है ये भी बहुत अच्छा है। बाकी यार ये तो मुझे चाहिए था जो क्रैश गार्ड है इसको सेव करने के लिए गाड़ी के लिए, तो बहुत मैंडेटरी पार्ट है और मेरे ख्याल से अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी गाड़ी पे तो ये मस्ट डू थिंग सर।
ठीक है, तो इसे तो आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई के पास आए, राजू भाई के पास, और सारी जो एसेसरीज हैं मेरे हिसाब से तो सब लगवा लो यार है ना, तो पॉकेट के अकॉर्डिंगली। हाँ बिल्कुल, पॉकेट पहले देखनी है क्योंकि तभी ने सब कुछ बताया। और सेकंड पार्ट में क्या क्या होने वाला है वो भी भैया सेकंड पार्ट जब आएगा इसका तो बताएंगे, इसके अंदर तो फिलहाल जो होता है वो हो चुका है। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और कोई आना चाहे तो आपने रिकमेंड दे दिया कि आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप जैसे पहले कह रहे थे ना कि काम होने के बाद बताते हैं, नहीं वो बिल्कुल अच्छा काम है, नो डाउट, इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं अभी तक तो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ बताइए। स्टाफ बिहेवियर, और जैसे कि सब लोग हमें जिस तरीके से बताते हैं तो आप उन लोगों से क्या, मतलब जैसे कि वीडियो में लोग बताते हैं ना मेरे बारे में, स्टाफ के बारे में कैसे कैसे, अगर देखेंगे अपने वीडियोस तो। यार देखो, मैं आपके स्टाफ के बारे में क्या बताऊँ, आपका स्टाफ देखो नो डाउट अच्छा है, तभी आपकी दूसरी वीडियोस अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से अभी जो जल्दी जल्दी में आएगी, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो जब ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वीडियोस जो है अच्छी है, नो डाउट यहाँ पे स्टाफ भी अच्छा है, भाई भी अच्छे हैं, आपको दिक्कत नहीं, राजू भाई भी अच्छे हैं, जट जट प्रभोजोत जो है, प्रभजोत, हाँ जी, तो वो भाई भी अभी आए थे हमारे साथ, मतलब एक डेढ़ घंटे यहाँ पर बैठ रहे हैं, उन्होंने भी पूरा जो है अपने गाड़ियों में काम करवाया था। तो वो यार अगर बंदा यहाँ पर आ रहा है तो इट मींस कि उसने कुछ तो देखा होगा ना, स्टाफ भाई इनसे बातचीत और जो भी चीज़ है, सो एवरीथिंग इज़ रियली वेरी गुड। मैं तो रिकमेंड करूँगा 10 out of 10। और देखो भैया का एक छोटा सा या बड़ा सा किसी को चैनल हो, भैया एक चैनल है उसको भी भैया बताते हैं कि क्या नाम है उस चैनल का, अगर भैया से जुड़ना है जो खासकर अप्रेलिया से रिलेटेड जो हमारे व्यूवर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर सपोर्ट करेंगे भैया कि उनको क्या इसके अंदर चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या रिकमेंड रहेगी, तो इनके चैनल पर ही मिलेगी जो कि भैया बताएंगे अभी, बताइए। तो यार मेरे चैनल का नाम है नमांश 2104, तो ये मेरा चैनल है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि भाई भी कर देंगे थोड़ा सा चैनल को लाइक से शेयर करना भाई का, बिल्कुल, क्योंकि भाई ने चैनल का नाम बताया, क्या नाम था चैनल का, नमांश 2104। नमांश 2104 को भी सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, जिन लोगों को अप्रेलिया से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए वो, तो बाकी तो चैनल के जाने का पता लगेगा भैया कंटेंट और क्या क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच विजिट करने के लिए। और आपको भी कराना है कोई भी बाइक का काम, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आ सकते हो आपके अपनी शॉप राज भाई के शॉप पर, जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के करोलबाग नायवलन के अंदर, और जो शॉप का एड्रेस है वैसे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, एड्रेस लोकेशन सब कुछ मैंशंस है, जैसे कि भैया ने तो यहाँ आके लोकेशन मांगी थी, बाकी आप चाहो तो पहले भी लोकेशन मंगा सकते हो, स्क्रीन पर मेरा पर्सनल नंबर फ्लैश हो रहा है 7827721714, और दूसरा नंबर जो है शॉप का है, तो आप किसी पर कॉल करके किसी पर रिप्लाई आए ना आए मेरे नंबर पर रिप्लाई ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरा जो नंबर है ज़्यादातर कोशिश करता हूँ मैं उसका रिप्लाई दूँ, और इजीली रिप्लाई करने का मतलब है कि आप लोगों को पता होता है कि मेरे से बात हो रही है, तो आप जल्दी से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी सामान आपको कुरियर कराना है तो वो भी आपका हो जाता है इजीली। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मती देन, गुड बाई।